जय श्री राधे आप सभी को। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों बाबा बालकनाथ जी को पौना हरि नाम से जाना जाता है। वैसे तो उनके काफ़ी सारे भक्त हैं और अलग अलग नाम से उन्हें पुकारा जाता है, अलग अलग नाम से बुलाते हैं, उनमें से एक नाम है पौना हरि। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्यों उनके भक्त बाबा बालकनाथ जी को पौना हरि नाम से जाना जाता है। सो लेट वी स्टार्ट द वीडियो। दरअसल पौना हरि शब्द के पीछे ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। अगर आप थोड़ा समझें कि पौन का अर्थ होता है हवा यानी वायु, और आहार मानो ग्रहण करना, किसी चीज़ को खाना। क्योंकि बाबा बालकनाथ जी बहुत उच्च कोटि के योगी और सिद्ध थे, उन्होंने अपनी सेंसेस पर यानी अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, उन पर विजय प्राप्त की हुई थी। इसी की तपोबल की शक्ति द्वारा एक कथा बहुत प्रचलित है कि जब माता रत्नो जी ने उन्हें ताना मारा था, बाबा जी ने वो अपनी तपोबल की शक्ति द्वारा वृक्ष में से रोटियां और ज़मीन में से लस्सी निकाल दी थी। दरअसल बाबा जी जब गहन ध्यान में हुआ करते थे, वो जल फल का ग्रहण नहीं किया करते थे, वो केवल अपनी श्वासों पर ध्यान दिया करते थे। इसीलिए उन्हें पौना हरि नाम दिया गया, क्योंकि वो वायु मानो हवा का ही भक्षण किया करते थे, जल फल कुछ भी नहीं लिया करते थे। दरअसल इसका एक प्रमाण पुराणों में भी आता है। जब देवऋषि नारद चार ऋषि कुमारों को मिलने के लिए जाते हैं और बड़ा आश्चर्य होता है उन्हें देखकर कि चार ऋषि कुमार जिनकी आयु लाखों करोड़ों वर्षों की है, पर फिर भी प्रकृति का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा है। और देवऋषि नारद उन्हें पूछ लेते हैं कि आप पर प्रकृति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, और वो चार ऋषि कुमार जो बताते हैं वो सच में जानने वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए, क्योंकि इसमें से ही आपको पौना हरि का शब्द भी पता लगेगा। और वो चार ऋषि कुमार देवऋषि नारद को बताते हैं कि हम चारों भाइयों में से एक प्रतिदिन 2400 घंटे हरि नाम की कथा हमें सुनाता है, जिसकी फलस्वरूप हम पर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि हम पर भगवान की कृपा बनी रहती है और हम फल जल का भक्षण नहीं करते, बल्कि हम वायु अर्थात हवा का भक्षण करते हैं। जैसे कि इस कथा से पता चलता है कि ये विधि प्राचीन है, क्योंकि वायु को ही पौन कहा जाता है और बाबा जी बहुत उच्च कोटि के योगी और सिद्ध हैं, इसीलिए वो भी पौन का ही भक्षण किया करते थे, इसीलिए उनका ये नाम पड़ा पौना हरि। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि क्यों बाबा जी को पौना हरि नाम से जाना जाता है, इसके पीछे का अर्थ क्या है आप जान चुके होंगे। अगर दिल में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जय श्री राधे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर।